अंतर जिला पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता 2024 का 2 दिवसीय आयोजन के समापन पर दुर्ग रेंज पुलिस महानिरीक्षक राम गोपाल गर्ग ने किया खिलाड़ियों का सम्मान। इस अवसर पर ग्राउंड में पुलिस महकमे के सभी अधिकारी मौजूद रहे। अंतर जिला पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता 2024 का 2 दिवसीय आयोजन गुरुवार को दुर्ग के पुलिस ग्राउंड में समापन किया गया। इस मौके पर सभी जिलों से पहुँचे खिलाड़ियों द्वारा कार्यक्रम में पहुँचे मुख्य अतिथियों का सम्मान किया गया। गौरतलब है कि अंतर जिला पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता 2024 के समापन पर दुर्ग रेंज पुलिस महानिरीक्षक राम गोपाल गर्ग मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सभी पुलिस खिलाड़ियों का सम्मान कर उनका हौसला उन्होंने बढ़ाया। इस दौरान दुर्ग पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला, एडिशनल SP अभिषेक झा, दुर्ग CSP मणिशंकर चंद्रा सहित सभी थानों के प्रभारी और अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान पुलिस महानिरीक्षक राम गोपाल गर्ग के हाथों सभी जीत हासिल करने वाले खिलाड़ियों को प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। आयोजन को लेकर दुर्ग पुलिस महानिरीक्षक राम गोपाल गर्ग और दुर्ग पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने इस तरह की जानकारी दी। जिला खेलकूद प्रतियोगिता 2024 जिसमें कि बालोद, बेमित्रा और दुर्ग जिले के हमारे जो दुर्ग रेंज है इसके तीनों जिलों की जो खेलकूद प्रतियोगिता थी उसका समापन समारोह में हम शामिल हुए। पिछले 2 दिन लगातार इसमें विभिन्न खेलें जैसे इवन जूडो, कराटे, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल तथा अन्य कई खेलों का आयोजन किया गया और हमारे जो प्रतिभागी हैं पुलिस के हमारे जवान पुरुष और महिलाएं दोनों उन्होंने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया और जो लोग मेडल जीते हैं उनको हमने उनको बधाई भी दी है और प्रशस्ति पत्र दिए हैं। इस प्रकार खेल का आयोजन पुलिस विभाग के साथ हमेशा जुड़ा रहता है क्योंकि पुलिस के हमारे जवान खेलकूद में लगातार स्पर्धा कर ना केवल जिला लेवल पर बल्कि स्टेट और नेशनल लेवल पर इवन इंटरनेशनल लेवल पर भी पार्टिसिपेट करते रहते हैं। तो मैं उनको शुभकामनाएं दी हैं और उम्मीद की है कि हर वर्ष की बात ही अगले साल तक फिर ये लोग मेहनत करेंगे और प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे। राज्य स्तरीय खेल आयोजन होते रहते हैं उसके लिए पहले यूनिट स्तर पर खेलों का आयोजन किया जाता है। उसी तारतम्य में दुर्ग रेंज का जो खेल का आयोजन था वार्षिक खेल आयोजन उसमें परसों हमने स्टार्ट किया था और आज उसका आई जी सर के मुख्य आतिथ्य में समापन समारोह था। 2 दिनों के अंदर विभिन्न खेलों में 3 जिलों के बालोद, बेमित्रा और दुर्ग के खिलाड़ियों ने यहाँ पर भागीदारी की है और आज सभी खेलों के जीते हुए खिलाड़ियों को यहाँ आई जी सर द्वारा पुरस्कार वितरण किया गया। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।